नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आज एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोमवार के दिन सुबह के समय कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे कैसे सीड से। देख रहे हैं कैसे सीड का नवंबर वायदा 6500 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कैसे सीड का वायदा बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 6500 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1% की तेजी देखने को मिल रही है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है तो नेक्स्ट लेवल्स क्या रहेंगे और कैसे में कैसा रुझान रहेगा? अखिलेश देखिए, मैंने हमेशा यही बोला है कि कैस्टर में आप बायो डिप की स्ट्रेटेजी रखिए और कैस्टर जो है वो 6500 के स्तर छू सकती है और आज वो लेवल्स जो है हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर 6500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के बाद मुझे लगता है कि 6800 से लेकर 7000 का स्तर कैस्टर में देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन वही है कि कुछ एक करेक्शन भी आ सकती है नीचे में 6300 तक, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है वो बाइंग की रखनी चाहिए, हर डिप पर खरीदारी करें, ऊपर में 6800 से लेकर 7000 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, बात करें बिनौला खल की तो देख रहे हैं कि दिसंबर वायदा 2493 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 2.5% की तेजी के साथ। रूपा जी, हमने बिनौला खल की कीमतों को नीचे में 2300 तक भी कारोबार करते हुए देखा है, लेकिन वहां से देख रहे हैं एक रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पे 2500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो क्या बिनौला खल में बढ़त देखने को मिल पाएगी या फिर तब भी एक सीमित दायरा ही रहेगा? देखिए बिनौला खल में तेजी है अखिलेश, ये इसका बॉटम था जो हमने देख लिया, अब यहाँ से मुझे लगता है कि बाउंस बैक है और 2600 के स्तरों के लिए बिनौला खल में खरीदारी करनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि 2400 के नीचे अगर मिलता है या 2400 के आसपास तो बाइंग करके चले, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें तेजी बन सकती है और अभी आप देखिए इसमें तेजी ही बनती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि अब ये 2600 तक ऊपर जाकर रुक सकती है ये कमोडिटी। फिलहाल बाय ऑन डिप 2460 2480 जो भी लेवल मिले वहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। जी रूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि आज काफी शानदार बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपने हमें ग्वार गम का लेवल दिया था 13000 का और ग्वार सीड का दिया था 6700-6800 का। देख रहे हैं ग्वार गम का नवंबर वायदा 12770 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2% की तेजी है और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6744 पर 1% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार गम 13000 के बेहद करीब है और ग्वार सीड में 6700 का आपका लेवल अचीव हो चुका है। अब आपको यहां से क्या लगता है, अगर ग्वार गम में के अंदर 13000 के लेवल्स दिख जाते हैं तो वहां से मुनाफा वसूली बनेगी या फिर वहां से लगातार तेजी ही बनती रहेगी और अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? अखिलेश देखिए, ग्वार में तो फिलहाल तेजी का ही रुझान है, देखो करेक्शन जरूर आ सकती है उसका, क्योंकि देखिए लगातार मार्केट अब 10000 के ऊपर से हमने इसको सस्टेन देखा है और वहां से गिरा नहीं है और तब वहां से लगातार तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। अब जो ग्वार गम का वायदा है 13000 के बाद ऊपर में 15000 के भी स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है अगर इसी तरीके से डिमांड पिकअप होती हुई रही, लेकिन अगर करेक्शन आई तो 10000 का अहम सपोर्ट रहेगा, अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। तो अभी आप ये मान के चलिए इसका लेवल जो बन चुका है वो नीचे में 10000 का है, 10000 के ऊपर जब तक बना रहेगा तब तक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आती रहेगी इसके अंदर और खरीदारी बढ़ती रहेगी और मुझे लगता है कि फिलहाल करेक्शन बहुत ज्यादा भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब पिछले हफ्ते भी हमने इसको तेजी के साथ बंद होते हुए देखा और अब भी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज इसकी शुरुआत अच्छी तेजी के साथ हुई है, तो मुझे लगता है कि अगर करेक्शन आई भी तो हो सकता है एक आधे दिन में आपको 3-4% मार्केट जो है वो गिरता हुआ भी दिखाई दे, 4-4% की भी गिरावट बन जाए, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, हर डिप पर खरीदारी होनी चाहिए। 13000 के बाद मुझे लगता है कि 15000 का टारगेट अचीवेबल है। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो 6800 से अब 7000 तक का ग्वार सीड का भी टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है, तो काफी बुलिशनेस है इसके अंदर अभी फिलहाल, तो फंडामेंटल इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है जितनी इसके अंदर हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ट्रेडर्स की खरीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है या आप कह सकते हैं कि स्टॉकिस्ट इसके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से इसके अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी इसे रूपा जी, नजर डाले अगर मसालों की ओर तो देख रहे हैं कि जीरा और धनिया काफी शानदार बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जीरा देख रहे हैं 14800 के ऊपर है और धनिया 8400 के ऊपर। रूपा जी, आपने जो लेवल्स दिए थे वो भी अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, जीरा 15000 से सिर्फ 200 पॉइंट की दूरी पर है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, धनिया और जीरा के अंदर अब आगे कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा, क्या यहाँ से और अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी इस कारोबारी सप्ताह में?
देखिए अखिलेश, धनिये में तो तेजी एक्सपेक्टेड थी कि अगर बाजार यहाँ से उठता है तो 84-85 सौ तक जा सकता है, लेकिन जीरे में मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी दिखाई नहीं देती। धनिये में फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ से 88 सौ तक का स्तर देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां तक जीरे की बात है, मैक्सिमम तेजी मुझे लगता है 15,000-15,200 तक जा सकता है। जीरे में बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव दिखाई नहीं देती क्योंकि निर्यात मांग काफी कम है। हल्दी में भी कोई बहुत ज्यादा बाजार दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल एक धनिया है जिसके अंदर एक बार डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते धनिये में 200-300 रुपए का अपसाइड बन सकता है, लेकिन जीरा और हल्दी मुझे लगता है कि अभी सुस्ती के साथ ही कारोबार रहेगा, छुटपुट बाइंग आ सकती है और 200-300 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी ये सर, जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की तो देख रहे हैं कि जो सोयाबीन का नवंबर वायदा है वो 5100 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि सोयाबीन अब पहले के लेवल से भी अब नीचे जाती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इसका जो भाव है अब धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है कंसिस्टेंसी के साथ। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या सोयाबीन में निचले स्तर से एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, खरीदारी निकलेगी या फिर यहाँ से भाव और ज्यादा टूटेगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि सोयाबीन के अंदर कोई बाइंग जो है वो दिखने को मिलेगी। मैंने पहले भी बताया था कि 5000 से लेकर 4800 नीचे लेवल्स जो है वो इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो अभी भी मेरा वही टारगेट है कि इसमें 4800 तक नीचे लुढ़क सकता है मार्केट और वहां पर सस्टेनेबिलिटी आ सकती है, तो मुझे बहुत ज्यादा कोई सोयाबीन के अंदर तेजी दिखाई नहीं देती है। जी इसे रूपा जी बात करें अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि फसलें खराब हुई है और ग्लोबली जो प्रोडक्शन है कम रहने का अनुमान है और इंडियन कॉटन के एक्सपोर्ट्स अच्छे देखे जा रहे हैं, दूसरा जो यहाँ पे घरेलू डिमांड भी है वो भी अच्छी खासी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कॉटन के नेक्स्ट लेवल्स क्या रहेंगे? अखिलेश देखिए कॉटन में तेजी है और अभी जो फिलहाल हम मंडियों में भी देख रहे हैं कि तो अच्छा खासा प्राइसेस जो है वो देखने को मिल रहा है, 9000 के आसपास जो है हमने कुछ एक अच्छी क्वालिटी की कॉटन बिकती हुई बाजारों के अंदर फिलहाल देखी है, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ से रुझान जो है वो तेजी का ही है। अभी अगर हम घरेलू वायदा के साथ साथ फिजिकल इसमें वायदा में देखें तो फ्यूचर वायदा के अंदर भी 31000 के ऊपर कॉटन निकल चुकी है, अब यहाँ से एक बार 32000 का लेवल देखने को मिल सकता है, 32000 के ऊपर की अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर और ज्यादा तेज हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये लेवल्स जो है अभी थोड़ा टाइम बने रह सकते हैं, छुटपुट और बाजारों के अंदर तेजी बन सकती है, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और वायदे के अंदर 32000 का स्तर फिलहाल देखने को मिल सकता है। जी ये सर जी बात करें अगर मेंथा की तो मेंथा में खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो काफी ज्यादा वीक देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा कमजोर देखने को मिल रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है मेंथा में आने वाले दिनों में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए जहां तक मेंथा की बात है ये कमोडिटी अभी रेंज में काफी अर्से से हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है, अब आज भी अगर हम देखें तो हल्का हरा निशान है 942 पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई तेजी बनती हुई इसमें नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि डिमांड बिल्कुल अभी जो है निकल नहीं रही है, आगे चल के थोड़ा सा पिकअप आ सकता है डिमांड के अंदर, लेकिन अभी देखा जाए तो लेवल जो है वो नीचे में 920 और ऊपर में एक बार 960-980 का स्तर हो सकता है, अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तभी इसमें एक लंबी तेजी की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता कि कोई बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी है, बाजार 900 से लेकर 950-960 तक फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी आपकी तरफ से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर आज से लेकर पूरे हफ्ते तक अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? अखिलेश देखिए मुझे मैंने पिछले हफ्ते भी यही बोला था कि अभी फिलहाल जो है एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर ग्वार एक ऐसी कमोडिटी बनती हुई नजर आ रही है जो अच्छा रिटर्न दे सकती है, और आप देखिए एक हफ्ते के अंदर हमने इसके अंदर अच्छा खासा उछाल भी आते हुए देखा है, ग्वार और कैस्टर ये दो कमोडिटी ऐसी हैं जो अब आगे तेजी की तरफ जा सकती है, अब इसके साथ साथ बिनोला खल भी एक तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये तीन कमोडिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार, कैसर और बिनोला कल ये तीन कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और पूरा ही हफ्ता अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मांगेराम सीरीज पर।